मैं कृष्ण गोपाल बोराने दसाई जिला धार से यहाँ ओंकारेश्वर दर्शन करने आया हूँ, सब परिवार आया हूँ। ये तीर्थस्थल जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, एक ओंकारेश्वर और एक है ममलेश्वर। यहाँ नर्मदा नदी का और कावेरी का संगम है, बहुत अच्छा लगता है। श्रावण और भाद्रे के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। बड़ा ही आनंद है, शांत जगह है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और अच्छी प्रकार की व्यवस्था है। पंडित महेंद्र कुमार शर्मा ओमकारेश्वर से। यहाँ भगवान ओमकारेश्वर जो है ना, राजा मानदाता के टाइम से विराजमान है। ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में इनका 4th स्थान आता है। ये निराकार हैं, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीसम। तो भगवान का निराकार रूप है। ये पर्वत है, बेंडूरमनी पर्वत है, ये पूरा ही ओमाकार का है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। ओम से ही सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए ओमकारेश्वर का महत्व 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक है। राजा मानदाता भगवान श्री राम से 10 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया तो भगवान का प्राकट्य हुआ। प्राकट्य के बाद में भगवान से वरदान मांगा कि आपके साथ मेरा भी नाम चलना चाहिए। तो इस गांव का नाम मानधाता है, भगवान का नाम ओमकारेश्वर है। यहाँ माँ नर्मदा इस पर्वत के चारों तरफ विराजमान है। जिस तरह से शंकर जी की जलेहरी बनी रहती है, उस तरह से माँ नर्मदा ने नेचुरल जलेहरी बना रखी है। और ये पर्वत जो है ना, पूरा ही शिवलिंग के रूप में ओमाकार का टापू है। इस तरह से भगवान ओमकारेश्वर यहाँ विराजमान है।
विपुल रावल मेरा नाम है। ये पार्थेश्वर का पाठ लगता है, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करता है, इसको पार्थेश्वर के नाम से बजाना जाता है। जैसे माँ राम जी जब वहाँ गए थे लंका में, उस टाइम पे मतलब उन्होंने पार्थेश्वर करके लंका विजय, अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करता है, तुरंत फलदायी इसका अभिषेक होगा। ये 1333 बनते, ये 251-70 के आसपास बनते हैं। हाँ, तो बाकी अच्छा रुद्री रुद्री पाठ होता है ये।